बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़ीशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़ीशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हों। शुरू करते हैं आज का लेक्चर, क्यू कंटेनर इन एसटीएल। एसटीएल के अंदर क्यू कंटेनर। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको क्यू कंटेनर के मतलब तफसील के साथ बताऊंगा कि एसटीएल की लाइब्रेरी के अंदर क्यू कंटेनर किस तरह का कंटेनर है, इसको किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, इसके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, इसके अंदर डाटा किस तरह से इंसर्ट होता है, किस तरह से डाटा इसके अंदर से रिमूव होता है, और इसको प्रायोरिटी क्यू के साथ कंपेयर करूंगा और एक छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ इसको C++ के अंदर इंप्लीमेंट करूंगा। क्यू कंटेनर इज आल्सो एन अडॉप्टर कंटेनर। क्यू कंटेनर भी स्टैक कंटेनर की तरह एक अडॉप्टर कंटेनर है। क्यू कंटेनर यूजेस एन एनकैप्सुलेटेड ऑब्जेक्ट ऑफ आइदर वेक्टर और DQ। क्यू कंटेनर वेक्टर या DQ के इनकैप्सुलेटेड ऑब्जेक्ट को यूज करता है। क्यू कंटेनर भी स्टैक कंटेनर की तरह दूसरे कंटेनर के ऑब्जेक्ट को यूज करता है। STL लाइब्रेरी के अंदर क्यू कंटेनर और स्टैक कंटेनर एब्स्ट्रैक्ट कंटेनर भी कहलाते हैं। क्यू इज आल्सो अ लीनियर और सिक्वेंशियल डाटा स्ट्रक्चर। क्यू भी एक लीनियर या सिक्वेंशियल डाटा स्ट्रक्चर है। क्यू फॉलोज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रूल। क्यू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रूल को फॉलो करता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रूल से मुराद जो एलिमेंट सबसे पहले इंसर्ट होगा वो सबसे पहले डिलीट होगा। क्यू के अंदर दो एंड्स हैं, एक फ्रंट एंड है और दूसरा रियर है। डाटा हमेशा फ्रंट एंड से रिमूव होगा जबकि डाटा क्यू के अंदर बैक साइड से इंसर्ट होगा। C++ के अंदर अरे बेस क्यू को इम्प्लीमेंट किया हुआ है जिसके अंदर क्यू की प्रॉपर्टीज को तफसील के साथ डिस्कस किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मौजूद है। इन क्यू न्यू एलिमेंट इज एडेड एट बैक साइड एंड एन एलिमेंट इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स टॉप पोजीशन। क्यू के अंदर एलिमेंट बैक साइड से इंसर्ट होगा और एलिमेंट टॉप पोजीशन से रिमूव होगा। इसके अंदर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रूल फॉलो होगा। अब क्यू और प्रायोरिटी क्यू को कंपेयर करते हैं। क्यू वर्सेस प्रायोरिटी क्यू। क्यू और प्रायोरिटी क्यू के दरमियान कंपैरिजन है। क्यू के अंदर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रूल फॉलो होता है जिसके दो एंड हैं। इसके फ्रंट पोजीशन से एलिमेंट्स रिमूव होंगे और इसके बैक साइड से एलिमेंट्स इंसर्ट होंगे। एसटीएल के अंदर क्यू एक अडॉप्टर कंटेनर है जो वेक्टर या DQ कंटेनर के इनकैप्सुलेटेड ऑब्जेक्ट को यूज करता है। लेट्स सपोज इसके अंदर एलिमेंट्स इंसर्ट होंगे बैक पोजीशन के ऊपर। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। और जब इसके अंदर से एलिमेंट्स रिमूव होंगे तो टॉप से एलिमेंट्स रिमूव होना शुरू होंगे। सबसे पहले 1 डिलीट होगा, उसके बाद 2 डिलीट हुआ, फिर 3, फिर 4 और लास्ट के ऊपर 5 लास्ट के ऊपर इंसर्ट हुआ था और सबसे लास्ट के ऊपर ही डिलीट हुआ है। इसके मुकाबले में प्रायोरिटी क्यू है। प्रायोरिटी क्यू भी एसटीएल के अंदर अडॉप्टर कंटेनर है। इसकी प्रॉपर्टीज भी क्यू की जैसी हैं, लेकिन इसके अंदर फर्क ये है कि प्रायोरिटी क्यू के अंदर हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई प्रायोरिटी होगी और फर्स्ट एलिमेंट तमाम एलिमेंट से सबसे लार्जेस्ट होगा। लेट्स सपोज इसके अंदर डाटा कुछ इस तरह से इंसर्ट हुआ। टॉप के ऊपर 10 है जबकि लार्जेस्ट वैल्यू 30 है। तो प्रायोरिटी क्यू के अंदर लार्जेस्ट वैल्यू टॉप के ऊपर आएगी, तो ये वैल्यू रीअरेंज होंगी। थर्टी टॉप के ऊपर आ जाएगा, इस तरीके से वैल्यूज रीअरेंज हो गई। प्रायोरिटी क्यू की वर्किंग हीप की तरह है। जिस तरह मैक्स हीप के फंक्शन को परफॉर्म करते हुए जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो अरे के टॉप के ऊपर आ जाती है, तो प्रायोरिटी क्यू हीप की तरह बिहेव करती है। क्यू को मजीद तफसील के साथ समझने के लिए इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल को देखते हैं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम है जिसके अंदर क्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे। प्रॉब्लम यह है, राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू इनिशियलाइज एन इंटीजर डाटा टाइप ऑफ क्यू कंटेनर, इंसर्ट एंड डिलीट वैल्यूज एंड डिस्प्ले रिजल्ट ऑन द स्क्रीन। C++ के अंदर एक प्रोग्राम बनाएं जिसके अंदर इंटीजर डाटा टाइप की क्यू कंटेनर को इनिशियलाइज करें, उसके अंदर वैल्यूज को इंसर्ट करें और उसके अंदर से वैल्यूज को डिलीट करें और रिजल्ट्स को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करें। इनिशियलाइज क्यू कंटेनर एसटीएल के अंदर क्यू को डिक्लेयर करवाने के लिए क्यू की एक क्लास है, क्यू के कीवर्ड के साथ इंटीजर डाटा टाइप की एक होल्डिंग ऑब्जेक्ट जिसका नाम क्यू है डिक्लेयर करवाएंगे। प्रायोरिटी क्यू के लिए भी एसटीएल की लाइब्रेरी के अंदर अलग से क्लास है जिसका नाम प्रायोरिटी अंडरस्कोर क्यू है। इंसर्ट वैल्यूज क्यू के अंदर वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे। क्यू के अंदर वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए पुश का फंक्शन है, जो क्यू के बैग के ऊपर वैल्यू को इंसर्ट करेगा। इसी तरीके से रिमूव वैल्यूज, क्यू के अंदर से वैल्यूज को रिमूव करवाने के लिए पॉप का फंक्शन है। पॉप का फंक्शन क्यू के फ्रंट पोजीशन से वैल्यूज को रिमूव करेगा। डिस्प्ले वैल्यूज, क्यू की वैल्यूज को डिस्प्ले करवाने के लिए cout की कमांड यूज होगी। क्यू के टॉप पोजीशन से जो वैल्यू होगी उसको एक्सेस करके cout के साथ स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेंगे। क्यू के टॉप पोजीशन से वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए फ्रंट का फंक्शन है, फ्रंट का फंक्शन क्यू के टॉप पोजीशन से वैल्यू को एक्सेस करेगा और लूप के साथ 1 by 1 करके तमाम वैल्यूज को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करते जाएंगे जब तक के क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता। उसके लिए एम्प्टी का फंक्शन यूज करेंगे। C++ के अंदर ये किस तरह से इंप्लीमेंट होगा आइए देखते हैं। ये हम डेव C++ के अंदर मौजूद हैं, कोड स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करूंगा और लास्ट के ऊपर इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करूंगा। सबसे पहले आपने हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना है। आप देख रहे हैं क्यू क्लास के लिए एसटीएल की लाइब्रेरी के अंदर क्यू के नाम से हेडर फाइल है जिसको इंक्लूड किया। ग्लोबली क्यू के कीवर्ड के साथ इंटीजर डाटा टाइप का एक होल्डिंग ऑब्जेक्ट जिसका नाम क्यू है मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाया। क्लास के कीवर्ड के साथ माई क्लास को डिफाइन किया, क्लास को स्टार्ट किया। पब्लिकली 2 फंक्शंस के प्रोटोटाइप को डिक्लेयर किया। फंक्शन की रिटर्न टाइप वाइड है, फंक्शन का नेम पुश क्यू है विदाउट पैरामीटर। फंक्शन की रिटर्न टाइप वाइड है, फंक्शन का नेम डिस्प्ले क्यू है और ये भी विदाउट पैरामीटर है। ये 2 फंक्शंस के प्रोटोटाइप को डिक्लेयर किया। इनको क्लास के नेम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ क्लास से बाहर डिफाइन करेंगे। माई क्लास को क्लोज किया। इंट मेन फंक्शन को स्टार्ट किया। माई क्लास का एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम ओबीजे है मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाया। ऑब्जेक्ट के साथ पुश क्यू के फंक्शन को कॉल किया। क्यू के साथ पॉप के फंक्शन को कॉल किया। क्यू के साथ पुश के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर 100 को पास किया इंसर्ट करवाने के लिए। ऑब्जेक्ट के साथ डिस्प्ले क्यू के फंक्शन को कॉल किया, क्यू के अंदर मौजूद एलिमेंट्स को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाने के लिए। रिटर्न 0 और मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया। क्लास का नेम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ पुश क्यू के फंक्शन को डिफाइन किया। फंक्शन को स्टार्ट किया। फंक्शन के अंदर क्यू के साथ पुश के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर इंटीजर वैल्यू 40 को पास किया। सिमिलरली क्यू के साथ पुश के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ इंटीजर वैल्यूज को पास कर रहे हैं। पुश क्यू के फंक्शन को क्लोज किया। क्लास का नेम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ डिस्प्ले क्यू के फंक्शन को डिफाइन किया। फंक्शन को स्टार्ट किया। फंक्शन के अंदर वाई लूप है, वाई लूप के अंदर कंडीशन है नॉट क्यू डॉट एम्प्टी के फंक्शन को कॉल किया। जब तक क्यू एम्प्टी नहीं है तब तक वाइल के अंदर वर्किंग चलती रहेगी। वाइल की बॉडी के अंदर cout के साथ क्यू डॉट फ्रंट के फंक्शन को कॉल करके क्यू की टॉप पोजीशन से वैल्यूज को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले किया। साथ में टैब का डिस्टेंस है। क्यू के साथ पॉप के फंक्शन को कॉल किया फ्रंट पोजीशन से वैल्यू को रिमूव करवाने के लिए। व्हाइल लूप को क्लोज किया। डिस्प्ले क्यू के फंक्शन को क्लोज कर दिया। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करता हूँ। मेन फंक्शन से इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। जैसे ही प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी ग्लोबली वेरिएबल मेमोरी के अंदर डिक्लेयर होंगे। इस लाइन के नतीजे में मेमोरी के अंदर क्यू कंटेनर का इंटीजर डाटा टाइप के साथ एक होल्डिंग ऑब्जेक्ट जिसका नाम क्यू है मेमोरी के अंदर डिक्लेयर होगा। मेमोरी के अंदर क्यू होल्डिंग ऑब्जेक्ट का साइज 40 बाइट है। उसके बाद माई क्लास का एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम ओबीजे है मेमोरी के अंदर डिक्लेयर होगा जिसके अंदर 2 फंक्शंस हैं। ऑब्जेक्ट के साथ पुश क्यू के फंक्शन को कॉल किया। कंट्रोल यहां से जंप करेगा और पुश क्यू के फंक्शन के ऊपर मूव करेगा। कंट्रोल पुश क्यू के फंक्शन के ऊपर आया। फंक्शन के अंदर क्यू के साथ पुश के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर 40 को सेंड किया। पुश का फंक्शन 40 को क्यू के अंदर इंसर्ट कर देगा। उसके बाद क्यू के साथ पुश के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर 10 को पास किया, 10 इंसर्ट होगा बैक पोजीशन के ऊपर। सिमिलरली 50 इंसर्ट होगा, उसके बाद 20 और लास्ट के ऊपर 30 पुश हुआ। उसके बाद कंट्रोल वापस मूव कर जाएगा। उसके बाद क्यू के साथ पॉप के फंक्शन को कॉल किया, पॉप का फंक्शन क्यू के टॉप पोजीशन के ऊपर वैल्यू को रिमूव कर देगा। क्यू के टॉप के ऊपर 40 है, 40 रिमूव हो जाएगा, अब टॉप की पोजीशन पे 10 आ गया। उसके बाद क्यू के साथ पुश के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर 100 को पास किया। पुश का फंक्शन क्यू के लास्ट के ऊपर 100 को इंसर्ट करेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट के साथ डिस्प्ले क्यू के फंक्शन को कॉल किया, कंट्रोल यहां से जंप करेगा और डिस्प्ले क्यू के फंक्शन के ऊपर मूव करेगा। कंट्रोल डिस्प्ले क्यू के फंक्शन के ऊपर आया। फंक्शन के अंदर व्हाइल लूप है जिसके अंदर कंडीशन है जब तक क्यू एम्प्टी नहीं है, क्यू के अंदर वैल्यूज हैं। सीओ के साथ क्यू डॉट फ्रंट के फंक्शन को कॉल किया, फ्रंट का फंक्शन क्यू के टॉप पोजीशन के ऊपर 10 को एक्सेस करके सीआउट के साथ डिस्प्ले को आ देगा, स्क्रीन के ऊपर 10 आ जाएगा। उसके बाद क्यू डॉट पॉप के फंक्शन को कॉल किया, पॉप का फंक्शन क्यू के टॉप से वैल्यू को रिमूव करेगा। 10 रिमूव हो गया, 50 टॉप पोजीशन के ऊपर आ गया। कंडीशन चेक होगी, कंडीशन फॉल्स। सीआउट के साथ क्यू के फ्रंट पोजीशन के ऊपर वैल्यू डिस्प्ले होगी जिसमें टैब का डिस्टेंस आएगा 50, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा। क्यू डॉट पॉप का फंक्शन कॉल हुआ, 50 रिमूव हो जाएगा। उसके बाद कंडीशन चेक होगी। इसी तरीके से 1 by 1 करके तमाम वैल्यूज डिस्प्ले होती जाएंगी और रिमूव होती जाएंगी। जब क्यू एम्प्टी हो जाएगा तो कंट्रोल व्हाइल लूप से बाहर आएगा और कंट्रोल वापस मूव कर जाएगा। मेन फंक्शन क्लोज हुआ। इस तरीके से स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब मैं इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करता हूं। कंपाइल और रन करने के लिए कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक किया। जैसे ही प्रोग्राम रन हुआ स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट्स आ गए, 10, 50, 20, 30 और लास्ट के ऊपर 100 है। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हमने उसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन किया था। प्रेस एंड की टू कंटिन्यू। आपने देखा कि किस तरह से क्यू अडॉप्टर कंटेनर को मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाते हैं और किस तरह उसके ऊपर वैल्यूज इंसर्ट होती हैं और किस तरह उसके अंदर से वैल्यूज रिमूव होती हैं। क्यू और प्रायोरिटी क्यू के दरमियान क्या डिफरेंस है इसको भी देखा, और आपने ये भी देखा कि क्यू को अरे की निस्बत एसटीएल के अंदर मौजूद क्यू कंटेनर के साथ क्यू को आसानी के साथ इंप्लीमेंट किया जा सकता है, जबकि इसके मुकाबले में अरे के साथ क्यू को इंप्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।